गाइस, वेलकम टू सुपर मेकअप स्टाइल। आई एम सोनाली। आज का वीडियो है हेयर केयर मास्क के ऊपर। वैसे तो मैंने ये DIY सोचा था कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस DIY को सारे हेयर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने वाला मास्क बनाते हैं, इसलिए मैंने इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। तो क्या है वो इंग्रेडिएंट्स, देखते हैं। इस DIY का बेसिक इंग्रेडिएंट है पपाया। पपाया में बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे हेयर को वॉल्यूम देते हैं, हमारे हेयर को बूस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, सिल्की स्मूथ करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, डैंड्रफ से फाइट करते हैं और बहुत सारे। लेकिन इसको और भी अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें मिक्स किया है हनी। हनी में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आपकी हेयर डल हो गई है, उसमें जान नहीं है, या कर्ली हेयर है, अक्सर उलझता है बहुत ज़्यादा, ड्राई हो चुका है, तो एक ये हनी जो है ये आपके हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें मैंने मिक्स किया है मिल्क एंड ऑलिव ऑयल। मिल्क जो होता है वो नेचुरल क्लेंज़र की तरह काम करता है, जो हमारे हेयर को, हमारे स्कैल्प को क्लेंज करता है और हमारे हेयर में बहुत सारे नेचुरल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट और प्रोटीन्स को डालता है, जिससे हमारा हेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाता है। ऑलिव ऑयल में होता है बहुत मॉइस्चराइज करने का इन न्यूट्रिएंट्स होता है, जिससे हमारा हेयर डैंड्रफ फ्री हो जाता है, सिल्की हो जाता है और स्मूथ हो जाता है, और डैमेज तो बिल्कुल डैमेज हेयर रह ही नहीं जाता। तो ये है मेरा इंग्रेडिएंट्स। पपाया जो है हम इस DIY का बेसिक है। इस मास्क को सिर्फ आपको अपने हेयर में लगाना है और एकदम बालों को ऊपर करके क्लच करके इसमें एक पॉलिथीन या फिर शावर कैप पहन लेना है, ताकि जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये थोड़ा नेचुरली हीट होता रहे। जैसे स्पा होता है ना, हम लोग स्पा को ऊपर से कोई मशीन लगाते हैं जो उसको हीट करता है, तो हम लोग नेचुरली हीट करेंगे ताकि वो आराम से एकदम अंदर अंदर हीट होता रहे और जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, जो उसका फ़ायदा है, वो हमें मिलता रहे। और इसे 1 या 2 घंटे तक रखना है। आप इसको वीक में 1 दिन करिए, अपने शैम्पू कंडीशन करने के 1 घंटे या 2 घंटे पहले लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका ज़्यादा अच्छा तरीका, तो आप पपाया का जूस, ओनली पपाया का जूस घर में बना के पी भी सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ का अगर आप अच्छा इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो आप उसको इंटरनली भी लीजिए और एक्सटर्नल भी अप्लाई कीजिए, तो इसका इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। आपको हाफ पपाया लेना है, जो आपको अपने हेयर लेंथ के हिसाब से लेना। अगर आपकी हेयर शॉर्ट है तो थोड़ा पपाया लीजिए, मेरे हेयर लॉन्ग है तो मैं हाफ लेती हूँ। और उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाना है, 1 चम्मच हनी और 1/2 कप मिल्क, और इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने हेयर पे लगा के, क्लचर लगा के, आप शावर कैप या कोई प्लास्टिक से कवर करके छोड़ दीजिए 1 या 2 घंटे के लिए। स्प्लिट एंड्स में लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो है ये नरिशमेंट के लिए है, शाइनी स्मूथ करेगा, आपका हेयर लॉस वगैरह के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना आपका हेयर केयर करेगा, जैसे स्पा वगैरह हम लोग करते हैं ना पार्लर में जाके, वही चीज़ ये देगा, बट ये नेचुरल है। पपीता बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए, ये हमारे हेयर को वॉल्यूम देता है। अगर आपको गंजेपन का प्रॉब्लम है, लाइक बाल्डनेस है, तो ये हेयर रीग्रोथ में बहुत अच्छा होता है। डैंड्रफ तो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें नरिशमेंट है। अगर आपका स्कैल्प नरिश होगा, pH बैलेंस उसमें मेंटेन होगा, तो नरिशमेंट देगा आपको, तो डैंड्रफ की कोई बात ही नहीं है। हेयर को अगर आपका बहुत पतला हो गया है, लाइक बहुत थिन दिखने लगा है, तो उसमें वॉल्यूम ऐड कर देता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। स्प्लिट एंड्स बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर आपको प्री मच्योर ग्रेइंग सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है हो जाएगा ड्यू टू कलर करने के वजह से, स्ट्रेटनिंग करने के वजह से, आयरनिंग करने के वजह से डैमेज हो जाएगा, तो उस सब के लिए बहुत अच्छा है। मेनली ये हेयर को कंडीशनर बहुत अच्छा करता है, इसलिए एज अ स्पा मैं बार बार बोल रही हूँ ये काम करेगा। ये इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, जो हमारे इस DIY हेयर केयर मास्क के लिए बहुत अच्छा है। हेयर लॉस भी आपका रुक जाएगा। अगर आपका हेयर हेल्दी होगा, तो ऑब्वियसली लॉस की तो कोई बात ही नहीं रहती है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको हेयर लॉस रोकना है, तो इंटरनली भी पीना पड़ेगा जूस को, तो बहुत अच्छा हेयर के लिए वो हो जाएगा। तो गाइज, ये है मेरा DIY हेयर केयर मास्क, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको वंस इन अ वीक कीजिए, कम से कम 2 बार वंस इन अ वीक कीजिए। उसके बाद आप मंथ में
दो बार कर सकते हैं ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे या वीकडेज़ में, जब भी आपको सुविधा हो। तो गाइज़ अगर आपको ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को और मेरे वेबसाइट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये है मेरा सिंपल सा DIY जो कि बहुत इफेक्टिव है, आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।